अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी एक नई वीडियो एक नई दवाई के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज की हमारा टॉपिक सीबोश सिरप के बारे में है। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। इस सिरप के फ़वाद और बेनिफिट्स बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। ये सीबोश सिरप जो है ना, हमेशा अमूमन तकरीबन बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि बच्चों को सर्दियों में खांसी लग जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो है ना, बुखार टाइफाइड्स वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। एंटीबायोटिक है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत ही अच्छी कंपनी की दवाई है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन बच्चों को हमेशा जो दवाई भी दें, बड़ों को दें, डॉक्टर के मशवरे से ही दें। हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि आप लोगों को ये बताएं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल जाए कि ये दवाई किस चीज़ के लिए होती है। बाकी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। और इस दवाई के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। बच्चों में खांसी जैसा कि नज़ला ज़ुकाम और बुखार की वजह से, जो बुखार टूट नहीं रहा हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर होने लगें तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें और इस दवाई का इस्तेमाल बंद कर दें। और अगली वीडियो हमारी देखने के लिए है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपके ताउन का शुक्रिया।